हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम हमारा अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन इस टाइप से है, इफ़ क्यू पॉइंट क्यू 0.1 इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी 5, -3 एंड आर x, 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। डेट मीन्स जो q पॉइंट है वो p और r पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए हम ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर। पहले जो पॉइंट है हम पॉइंट लिख लेते हैं। क्यू पॉइंट क्या है हमारे पास? क्यू पॉइंट है ओ 0.1, पी पॉइंट इज 5, -3 एंड आर पॉइंट आर इज x, 6। ये हमारे पॉइंट हो गए। ठीक है, अब एक फिगर बना के मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस टाइप से सपोज कर लेते हैं, ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पॉइंट पी है, ये आर है। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट है 0.1, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, -3, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, 6। ठीक है, पी क्यू का डिस्टेंस और पी आर का डिस्टेंस इक्वल है। चलिए सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। इस टाइप से हो जाएगा, रूट ऑफ पी क्यू का डिस्टेंस मतलब 5 -0, यहाँ पर आ जाएगा 5 -0 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -3 -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ अगेन अंडर रूट। ठीक है, क्यू आर का डिस्टेंस बिटवीन में लगाते हैं फॉर्मूला, x -0 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 6 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 5 -0 इज 5, यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 -1 इज -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x -0 इज x, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6 -1 इज 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम हमारे रूट को कैंसिल करते हैं। रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन वी गेट हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें से रूट हट जाएंगे। डेट मीन्स जो आएगा हमारे पास वो इस टाइप से रहेगा, 5² = 25 प्लस ऑफ -4² डेट मीन्स 16 इज इक्वल टू x² प्लस ऑफ अगेन 5² है, तो ये हो जाएगा 25। चलिए और सॉल्व करते हैं। देखिए जो भी नंबर्स हैं हमें उससे ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस ऑफ 16 -25 इज इक्वल टू x², ये 25 से 25 कैंसिल हुआ, x² इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू ±√16, डेट मीन्स x इज इक्वल टू ±4, x का वैल्यू ±4 आ गया। ठीक है, ये हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन में जो आगे फाइंड आउट करना है वो सॉल्व करते। अब जो वैल्यू हमें निकालना है, हमें अब फाइंड करना है, नाउ फाइंड QR का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड PR। ठीक है, चलिए सॉल्व करते। पहले हम QR का डिस्टेंस निकालते हैं, QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है,
मैं आपके लिए यहाँ पर फिर से q के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। q इज़ इक्वल टू है 0, 1, और जो p के कोऑर्डिनेट है, p का कोऑर्डिनेट है 5, -3, और r जो पॉइंट है, r के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, 6। ठीक है, ये मैंने दोबारा लिख दिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पी आर निकालना है हमें, ये पी आर है, तो ये हो जाएगा x -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, रूट ऑफ हमारी x की जो वैल्यू है वो ±4 है, तो हम वैल्यू +4 ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा +4, डेट मीन्स 4 -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 5 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 -0 मीन्स 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस ऑफ 25, 16 + 25 = 41, डेट मीन्स ये आया √41। देखिए ये वैल्यू आ गई हमारी क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41। अब क्यू आर की वैल्यू के बाद हम फाइंड आउट करेंगे पी आर का डिस्टेंस। पी आर इज इक्वल टू नाउ अंडर रूट ऑफ, देखिए पी के कोऑर्डिनेट भी है 5, -3, और आर का कोऑर्डिनेट भी है यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको भी। चलिए ये हो जाएगा 5 -x होल स्क्वायर प्लस ऑफ -3 -6 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ पी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे फिर से वैल्यू पुटअप करते 5 - x का वैल्यू 4 वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ऑफ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हम x की वैल्यू 4 वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, x के प्लेस पे 4 वैल्यू पुटअप करा, 5 -4 होल स्क्वायर। ठीक है, -3 - 6 = -9 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 5 - 4 = 1, 1 स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर करा 81, डेट मीन्स ये आ जाएगा रूट ऑफ 81 + 1 = √82। √82 इज डिस्टेंस ऑफ पी आर, ये पी आर का हमारा डिस्टेंस आ गया।